कपड़े नहीं थे पसंद तो 1.5 करोड़ खर्च कर पूरी बॉडी पर बनवाए टैटू। अब वही टैटूज बने मुसीबत। दुनिया अतरंगी लोगों से भरी है। किसी को उनका शौक अतरंगी बनाता है तो कोई अपने शौक के पीछे पीछे भागते भागते खुद को बर्बाद कर लेते हैं। जिस तरह से टैटू का क्रेज बढ़ रहा है उसे नई मुश्किलों को निमंत्रण देने के लिए काफी है। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एम्बर लूक पर भी उनका शौक भारी पड़ा और आज वो अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में मुश्किलों से घिर गई है। कपड़े पहनने में आता था आलस। एम्बर पेशे से मॉडल है, उन्हें कपड़े पहनने में बहुत आलस आता था। एम्बर पर टैटू बनवाने का ऐसा शौक चढ़ा कि उसने अपने शरीर का पूरा हिस्सा टैटू से भर लिया। शरीर पर दांत को छोड़कर शायद की कोई पार्ट हो जहां एम्बर ने टैटू नहीं बनवाए हो। आंखों में भी टैटू बनवा कर उसने सबको हैरान कर दिया। हालांकि इस तरह के टैटू बनवाने के दौरान थोड़ी देर के लिए उसके आंखों की रोशनी चली गई थी। उसे टैटू से इतना प्यार है कि उसका प्यार दीवानगी में बदलने लगा। एम्बर ने टैटू बनवाने के लिए अपनी सेविंग निकालना शुरू कर दिया। टैटू ने बना दिया कंगाल। एम्बर को टैटू बनवाने का ऐसा क्रेज चढ़ा कि उसने अपनी पूरी सेविंग उस पर खर्च कर दी। 1.5 करोड़ खर्च कर एम्बर से पूरे शरीर को टैटू से भर दिया। लेकिन इन टैटू को बनवाने में उसने अपनी पूरी लाइफ की कमाई लगा दी। अब ये टैटू उसके लिए मुश्किल बन गया है। टैटू मॉडल एम्बर ल्यूक ने कहा है कि अब उसे इन टैटू के कारण कोई काम नहीं दे रहा है, न तो कोई मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिल रहा है। टैटू को लेकर उसका ऑब्सेस्ड होना अब उसे ही भारी पड़ रहा है। लोग बुलाते हैं चुड़ैल जिन टैटू को उसने अपने शरीर पर स्टाइल दिखाने के लिए बनवाया। अब वो उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। टैटू के कारण उसका चेहरा पूरा बदल गया, इतना बदल गया कि लोग उसे नौकरी पर रखने से इनकार कर रहे हैं। वहीं लोग उसके टैटू को देखकर उसे भूत बुला लेते हैं। उसके इस एक्सट्रीम लुक की वजह से लोग एम्बर को ड्रैगन गर्ल बोलने लगे हैं। एम्बर नौकरी न मिलने से परेशान है। टैटू के डिजाइन को लेकर उसने बताया कि उसने अपनी बॉडी पर ब्रिस्बेन रेडियो शो को बनवाया है, लेकिन अब इसके कारण उसे नौकरी नहीं मिल रही है। हालांकि एम्बर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। अपने टैटू की फोटो वो अपने इंस्टाग्राम पर डालती है। लोग भले ही कुछ भी कहे, लेकिन एम्बर अपने फैसले से खुश है।